नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार हुआ खत्म। इस तारीख को आएंगे DA एरियर के 2,18,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने के बकाया DA एरियर का पैसा सरकार कब कर्मचारियों के खाते में डालने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार अब जल्द केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को तकड़ी सौगात देने वाली है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और DA में बढ़ोतरी करने जा रही है, जो हर किसी के दिल को जीतने के लिए काफ़ी है। सरकार DA में करीब 4% का इजाफा करने जा रही है, जो हर किसी को अमीर बनाने का काम करेगा। दोस्तों, इसके अलावा 18 महीने के DA एरियर खाते में भेजने के लिए सरकार जल्द ही कोई प्लान बना रही है। बरसात के दिनों में यह सौगात किसी वरदान से कम नहीं होगी। सरकार ने DA बढ़ोतरी की तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन समाचारों में जल्द ही खूब दावा किया जा रहा है कि इससे करीब 1 करोड़ लोगों को बम्बर लाभ मिलना निश्चित है। दोस्तों, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों को 18 महीने का DA एरियर का पैसा देने वाली है, जिससे लोगों के चेहरे पर काफ़ी रौनक दिख रही है। इससे कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आना बिल्कुल तय माना जा रहा है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। दरअसल मोदी सरकार ने कोरोना काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA एरियर का पैसा रोक लिया था, जिसकी मांग कर्मचारी संगठन लगातार करते रहते हैं। माना जा रहा है कि प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को DA एरियर के करीब 2,18,000 रुपये के करीब मिलेंगे। यह राशि महंगाई में बूस्टर डोज का काम करेगी। सरकार इस रकम को किसी भी दिन बेच सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी के DA में जल्द ही तकड़ा इजाफा कर सकती है। कहा जा रहा है कि कर्मचारी के DA में 4% का इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके बाद कर्मचारियों का DA 42% से बढ़कर सीधा 46% हो जाएगा। इसे केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में मोटा इजाफा होना तय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।